जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज किस तरीके में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आप लोगों की स्कूटी। हमारे तो होती नहीं, आप ही लोगों की होती है। सुजुकी वर्मन स्ट्रीट 125 और इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो काफ़ी अलग होने वाली है इस बार, और काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे वीडियो का, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। इसमें चीज़ें जो हैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसका इग्निशन ऑन करके सबसे पहले आप देखो इसमें लुक क्रैश गार्ड की दिखाऊंगा, इंडिकेटर भी, लेकिन पहले क्रैश गार्ड देखो। और इस क्रैश गार्ड के काफ़ी सारे डिज़ाइन और भी हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं हमने ये वाला नहीं वो वाला ऑर्डर किया था। तो पहले आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट भेज देना जो भी आप लोगों को क्रैश गार्ड चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आ चुकी है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन है। जैसे कि फ्रंट से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलेगा इस वाले क्रैश गार्ड के अंदर। यहाँ से जो डिज़ाइनिंग आ रही है, यहाँ से पूरी सेफ्टी आ रही है आपकी। एक यहाँ पर स्लाइडर मिल जाता है, मान लो गलती से गिरती भी है आपकी स्कूटी तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, डैमेज नहीं होगा। और ये वाला पार्ट अगर मान लो कभी ख़राब होता भी तो अलग से मिल जाता है। काफ़ी हैवी गेज का बना हुआ है एक्चुअली, फुल्ली जिसे कहते हैं ना बिल्डनेस मजबूती का जिसमें ख्याल रखा गया। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी देख लो, इसकी बैक लाइट, इसका इंडिकेटर, ऑल अबाउट ये सब सेफ है। और दो इसमें मिल जाते हैं फुट रेस्ट, जो कि जो इस पर पिलन राइडर बैठेंगे वो पूरे राजा महाराजा की तरह पैर रख सकते हैं इस पर, एक साइड और एक साइड। ये भी है लेकिन इससे पूरा पैर होल्ड नहीं होता, इस पर पूरी तरीके से पैर आ जाएगा, तो ये बहुत ही हैवी है। क्रैश गार्ड के अलावा यहाँ पर एक बैक रेस्ट लगा रखा है जो कि एडिशनली ये हट भी जाएगा अगर हटाना चाहते हो, और बहुत ही हैवी यहाँ पर होल करके इसको लगाया गया है। तो ये इस तरीके से है, बाकी आप लोग बताओ यार। और यहाँ पर लगा रखी है क्रूजर प्लस टूरिंग सीट जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसका मैं मुआयना कर लेता हूँ। हाँ यार हड्डी चटक गई, ठीक है, मस्त है भाई। तो ये जो सीट है, जिन लोगों के पास एक्टिवा है या फिर एक्सेस है, एंटोर्क है, डीओ है, एरोक्स है या कोई भी स्कूटी है, सबकी बन जाएगी। फिलहाल अभी आप देख रहे हो इसको वर्क बेंच पर, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन लिया गया ये लिया है कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, वाइट एंड ब्लैक। बाकी इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन और भी रहते हैं लेकिन ये वाला डिज़ाइन काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भाई यही वाला डिज़ाइन मिलेगा, कुछ और समझ में आ रहा तो वो भी कर सकते हो। सीट के बाद यहाँ पर एक पायदान लगा रखा है, ये देख सकते हो आप। अब आते हैं फ्रंट पे, फ्रंट पे एक लॉन्ग वाइज़र जो कि स्टॉक वाइज़र आता है उसको हटा के एक लॉन्ग वाइज़र यहाँ पर लगा रखा है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक स्मोक ग्रे या फिर ब्लैक या फिर ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पर पूरा ब्लैक ही लगा रखा है। फॉग लैंप्स लगा रखी हैं जस्ट इसके नीचे, जिसका यहाँ पर एक स्विच है, इस स्विच को जैसे ऑन करते हो तो ये आपकी फॉग लैंप्स एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है फॉग लाइट, क्योंकि फॉग में यूज़ आती है, जैसे कि येलो है, अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं और व्यू दिखता है आपको पूरा फॉग में। मिनी ड्राइव नाम है इसका बेसिकली, और इसमें काफ़ी सारे और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइट देख रहे हो कितनी तेज है इसकी, बाकी इसका फोकस आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। फॉग लैंप्स के अलावा यहाँ पर फोर्क स्लाइडर लगा रखे हैं राउंड में, जो कि इसके सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और काफ़ी हैवी हैं, और इसमें लगाने के बाद किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आता है, इजी टू फिट है गाइस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हैंड गार्ड लगा रखे हैं, जो कि हैंड गार्ड भी नहीं कहूँगा, लीवर गार्ड भी नहीं कहूँगा, दोनों का मिश्रण है, हैंड गार्ड कम लीवर गार्ड, जो कि कुछ इस तरीके से, मान लो कभी आपकी स्कूटी, आपकी बाइक, क्योंकि बाइक में लगवाते ना तो ये आपके लीवर वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, तो ये चीज़ रहती है। हैंड ग्रिप लगा रखी है आरसीबी वाली दोनों साइड से, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर जो मिरर लगाए हैं ये लगाए हुए गाइस डबल साइड इंडिकेटर के साथ, यानी कि एलईडी मिरर इंडिकेटर के साथ इस साइड भी, और मज़े की बात ये है कि इस साइड भी है, लो जी इस साइड भी सेम कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, सिर्फ फैंसी नहीं है एक्चुअली में, लुक के भी जो है काम करते हैं और एक्चुअली में वर्क भी करते हैं। हैज़ार्ड का यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, हैज़ार्ड जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ कि चारों इंडिकेटर एक साथ चलाता है, वो भी अलग अलग डिज़ाइन के साथ, तो डिज़ाइन से मिल जाते हैं करीब 25-30। तो पहला मैंने एक्टिवेट कर दिया है इस तरीके से, और आप लोग देखते रहना भाई, आप लोगों को जो पसंद आए वो आप सेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे पैटर्न है, स्विच वाला है, एक सेकेंड होल्ड करोगे तो ये बंद भी हो जाता है, दोबारा प्रेस करोगे चालू हो जाएगा, फिर प्रेस करोगे फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, इसी तरीके से रहता है ये, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बैक साइड में आके इसके व्हील कवर की, तो कि कुछ इस तरीके से है। ये देखो भाई, ये तो ये व्हील कवर लगा रखा है, स्टार्ट करके देखें एक बार, ये लुक आएगा जी चलते समय। और साथ ही में लगा रखे हैं इसमें एलईडी बल्ब, इसमें एलईडी बल्ब लगा रखे हैं साथ ही में, हज़ार मैंने आपको बता दिया है, जो कि आगे भी लगा रखे हैं और पीछे भी लगा रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये लीजिए, तो इसी तरीके से आपकी सुजुकी वर्मन स्ट्रीट की मॉडिफिकेशन जाती है कंप्लीट।